पहले एक छोटा सा गाने के साथ ना बिंदु मैम को जाने नहीं देंगे। क्या होता है, रिवर होता है ना, स्पेशल बंदा हमेशा ही एंड पे होता है, राइट? क्या आप लोग चाहते हो कि भारत में एक पंचांग ऐसा भी हो जाए, कहीं ना कहीं पूरे भारत के जितने भी पंचांग करता है कि कहीं ना कहीं तिथि एक तो नहीं हो सकती? कार्तिक भाई ने भी बोला जैसे कि सारे जने आए कटो काटे, अगर 40-45 लाख मतलब एस्ट्रोलॉजर भारत में है कम से कम 10 लाख में बैठ के मोदी जी को दे दो, अयोध्या दे दो, पंचांग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे 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 सब मिलके देंगे। सुस्त नहीं हो रहा, चाप ला देंगे ताली मार। तो हमारा देखा जाए उज्जैन से जैसे लास्ट टाइम से चलता आ रहा वेदांग का, जो वेदों का सबका कि पंचांग एक हो जाए। राजन भैया से भी बात हुई, मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, नेता चेंज होते रहते हैं, आई थिंक लगते होंगे। अब मोदी जी ना चेंज हो इसलिए भारत का पंचांग कहीं ना कहीं एक हो जाए, एक ऐसी ही इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आई थिंक लास्ट 35 से 40 साल का संकल्प लेके चली हुई है बिंदु मैम, बिंदु शाह जी आ जाइए मैम। तो ज्यादा लंबी स्पीच ना लेते हुए, क्योंकि हरिद्वार में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, वहां ये पूरी लंबी स्पीच देंगी। मोदी जी नहीं चेंज होंगे इसके लिए तालियां, और बिंदु मैम के लिए सच में मैं बताऊं, मैं तो ये जाऊंगी है, मेरे अपने होश उड़ गए सी, रामलला के दर्शन करने लगे, लागा सी वेंटिलेशन ले जान के बाहर, चला रामलला की जय, रामलला की जय। ये पूरा ग्रुप आई थिंक 65-70+ भी है इनके साथ, तो कैसे मुंबई से चल के आएंगे लोग यहाँ तक, और रामलला के दर्शन मैं इससे पीछे थी, ये मेरे से आ गई थी। मैं इनको देख के हो रहा था कि गिर ना जाए, बेहोश ना हो जाए, मैं पीछे भी, मैं भी बेहोश होने वाली थी, लेकिन इनको देख के मेरा हौसला बढ़ रहा था। तो 5 मिनट बिंदु शाह के लिए जो मुंबई से चल के आई है गुरुदेव अक्षय पंडित जी, कार्तिक भाई आप सबकी स्पीच वाले बहुत ही सम्मान है, लेकिन इनको सुनने के लिए कि भारत के भले के लिए कि ये क्या नया पंचांग के लिए लेके आई है बिंदु मैम, और इस पंचांग पूरे भारत के पंचांग कर्ताओं को ऋषिकेश में इकट्ठा करेगा। मारो तालियां, ठोको ताली, ठोको 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 सिद्धो वाली ताली, वही आप पंजाबी वाली ताली मार रहे हो ना, ठोको ताली तो बिंदु मैम इतनी उत्साहित है, हाथ ठंडे हुए हुए हैं, ठीक है, स्वीच देने लगे हैं, क्योंकि हम यूथ क्या कर रहे हैं सच में कि जो भारत की विद्या दबती जा रही है, या कर्म कांड दबता जा रहा है, या हमारी वैदिक विद्या पीछे जा रही है, वक्त से जो दे के हमें अभी प्रेजेंट इन्होंने आज दिया, आने वाले टाइम में जो देंगे, राइट? तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है हम सब ने, है ना राज जी? तो जय श्री राम। अब कैसे भी दुखी हो, नींद आवे, भूख लगी हो, सुनना होगा, सुनो रोपकारी जय श्री राम जी। और आप सबके सामने मुझे साक्षी जी लाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कब से चल रहा है हमारा, जो राजन भैया ने पहले बताया कि तालियों की भाषा भारत ने सीखी, इसी मुद्दे पे हम जाएंगे कि तालियों की भाषा सीखना सिखाने वाला सिर्फ एक भारत देश था जिसने पूरी दुनिया को सिखाया है। मैं आपको उस जमाने में थोड़ा सा लेके जाऊं जाना चाहूंगी, जो वेदांग आपको पता होगा फलित और गणित दो ज्योतिष के विभाग है, आपको गणित विभाग में आना है। गणित विभाग में वेदांग ज्योतिष जो 3000 साल पहले का लगत मुनि का लिखा हुआ है, और उससे पहले का जो सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी का लिखा हुआ, आर्यभट्ट जी का भी सिद्धांत शिरोमणि, और सूर्य सिद्धांत, ये दो की मैं जरा बात करूंगी। जब तारों की भाषा भारत ने सिखलाई थी ना, तो आज की अर्वाचीन भाषा वो नहीं थी, प्राचीन अर्वाचीन जो हमारा जो नॉलेज होता है उसका ही यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसी का हुआ है, क्योंकि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की जो प्राचीन ऋषि मुनियों की दिव्य दृष्टि से जो गणित और गणना थी वो 28 नक्षत्रों से थी, अभिजीत नक्षत्रों को उसमें महत्व दिया गया था, और सारे जो हमारे एक युग के 5 वर्ष के कुछ 1830 दिन थे, उसको जब हम 28 नक्षत्र से डिवाइड करते थे
तो 67 उसका भाग निकलता था, 21 शेष बचती थी। ये जो 21 दिन की शेष बचती थी वही 21 बार 24 पिंड के लिए अभिजीत नक्षत्र आता था, लेकिन आज के गणित में वो नहीं। यही सबसे बड़ा फॉल्ट है जो पंचांग गणित का है। मैं सिर्फ आपको एक सवाल पूछती हूँ, कोई भी गणित हो, नासा का हो, इसरो का हो, केपी गणित हो, सायन गणित हो या नीरन गणित हो, सब ज्योतिष हो, आपको सबको पता है गणित की सिस्टम क्या क्या है। क्या कभी भी चंद्र का नक्षत्र में प्रवेश अलग हो सकता है? बोलो, केपी बोलेगा नीरन बोल, सायन गणित क्या बोला, 21 दिन पहले चला गया। आप देखो उनकी दिवाली 21 दिन पहले होती है ना, होली 21 दिन पहले होती है, 24 डिग्री का फर्क है अंश का, वो सारा गणित 25 दिन पहले बता रहा है। क्या पूर्णिमा या अमावस्या या जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र कभी भी 25 दिन पहले जाएगा क्या? बहुत सिंपल बात है, हम लोग कहां पर गलती कर रहे हैं। हम लोगों ने यही पे गलती की, प्राचीन भारत का गणित घंटों पे चलता था, मुहूर्त आप जानते हो, 30 मुहूर्त, 15 मुहूर्त, कुछ नक्षत्र में चंद्र 15 मुहूर्त रहता था, संध्या को प्रवेश हुआ, सुबह प्रभात काल में वो निकल गया। कुछ नक्षत्र में वो 24 घंटे रहता था, अगर आप संध्या को लग रहा है तो कल संध्या को खत्म कर देगा। और जो 6 नक्षत्र है उसमें रोहिणी भी आ जाता है, पुनर्वसु भी आ जाता है, जो रोहिणी में कृष्ण का जन्म हुआ है और पुनर्वसु में श्री राम का जन्म। ये दो नक्षत्र 1.5 दिन के लिए लगते थे, 36 घंटे के, लेकिन आज के गणित ने क्या किया है, सारे नक्षत्रों को 24 घंटे के डिवाइड कर दिया, और वो भी समय आगे पीछे। आप देख सकते हैं कि कभी भी नक्षत्र कभी भी खत्म होता है, ऐसा नहीं था प्राचीन गणित, ऐसा नहीं था। आप 14 मनु की बात देखो, 7वां मनवंतर चल रहा है, वो सब हम मानते हैं, शास्त्र की ये सारी बातें मानती है, लेकिन शास्त्र का गणित हमने भुला दिया। मेरा ये विषय परमात्मा ने दिया होगा, एक निमित्त खड़ा हुआ होगा, कर्म का ये हम जानते हैं कि निमित्त के बगैर कोई कर्म पकता नहीं, बराबर। राम जी 500 साल पार रहे, उनका निमित्त अब हुआ और वो विराजमान हो गए। मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि ये वेदांग ज्योतिष जो 3000 साल से भटक रहा है, 3000 साल पे रखूंगी, क्योंकि लगन मुनि ने जो 3000 साल पहले वेदांग ज्योतिष पर जो पंचांग बनाया है, 6 तिथि क्षय का वो पंचांग है, सिर्फ 6 तिथि क्षय, साल में कोई वृद्धि नहीं, कोई भी वृद्धि नहीं। और अगर आप बराबर इसी ढंग से जाओ कि 15 मुहूर्त के दिन मुहूर्त 15 मुहूर्त चले, चंद्र 30 मुहूर्त में 30 मुहूर्त चले, चंद्र 36 घंटे यानी कि उसी में वो चंद्र चले, अगर ये गणित से जाते हो तो सिर्फ एक ही साल का पंचांग काफी है, सिर्फ एक ही साल, एवरी ईयर वही पंचांग चलेगा सर। और हर जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र आएगा, ये वो भी ठीक समय पे, हर पुनर्वसु नक्षत्र राम नवमी के दिन आएगा, ये सिर्फ एक ही साल का पंचांग हमको चाहिए। चंद्र बहुत ही नियत गति से घूम रहे, प्रत्येक अवतार इसी प्रकार से अगले मनवंतर में भी जन्म लेंगे, तो ये मनवंतर में कैसे सीखना है आपको? और हमको ये सीखना है कि अगर हर मनवंतर में जैसे राम जी का अवतार हुआ वो पुनर्वसु चैत्र सूद नू फिक्स है, अगले में भी चैत्र सूद नू में पुनर्वसु फिक्स ही होना चाहिए। जब जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण का जन्म फिक्स है, अगले अवतार में भी वही होगा, तो आज क्यों बदल रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। प्रभु की इतनी कृपा रही मेरे पे, जो भी है मुझे निमित्त बनाया है, 5760 साल का पंचांग बन चुका है, उसकी वेबसाइट भी लग गई है, आपको मिल जाएगी, अगर ये ऋषिकेश में आएंगे तब तक आपको पूरा मिल जाएगा। और ये पंचांग पूरा हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जो भास्कराचार्य का सिद्धांत है, जो सूर्य सिद्धांत है, जो 28 नक्षत्र अभिजीत का मैंने उल्लेख किया है, उसके साथ ही आएगा, बराबर। और उसमें हर जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र आएगा। जो हाँ, आज हिंदू त्योहार अलग हो रहे, खास करके यूथ को प्रॉब्लम, आज के जो युवा है ना उनको क्यों जनवरी कृष्ण अच्छा लगता है, सोचो जरा, थोड़ा सा सोचिए। उनको शिवरात्रि कभी 13 की आई, कभी 14 की आई, कोई बोलेगा जन्माष्टमी आज है, कोई बोलेगा कल है, उनको नहीं चाहिए। आज की पीढ़ी है नहीं,
बिल्कुल नहीं समझे। वो बोलेंगे झगड़ा बंद करो, नहीं तो हम जनवरी फरवरी हमारे लिए ठीक है, और अगर ये तो छोड़ दीजिए तो बहुत छोटी बात है। अगर राष्ट्रीय पंचांग में जो आज से 1952 में वो डिक्लेयर हो चुका है, और वो पंचांग में तो अधिक मास ही नहीं है, क्या करोगे आप? अधिक मास की गणना ही नहीं है, कैसे आपका धर्म कैसे चलेगा? जो आज आपको पता होगा अभी उज्जैन में जो हुआ सम्मेलन, उन लोगों ने राष्ट्रीय पंचांग को चालू करने के लिए 75th आजादी महोत्सव में तय कर लिया, और वो लोग उसके लिए सम्मेलन से सम्मेलन कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हो बिना अधिक बिना ऐसे कोई भी, वो बोल रहे जनवरी फरवरी ऐसे ही आपको डेट मिल जाएगी और कोई नहीं, क्या आप लोगों को चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बताओ नहीं चाहिए, तो फिर आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह रामलला विराजमान हुए ना, इस तरह ये पंचांग भी विराजमान हुए, बराबर वेदांत फाउंडेशन की तरफ से ये मेरा वादा है, बहन साक्षी का वादा है कि ये जो पंचांग है ये संसद के अंदर पहुंचाएंगे और किसी को लागू करवाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बोलिए। ये वेदांत फाउंडेशन की तरफ से ये मेरा वादा है, बहन साक्षी का वादा है कि ये जो पंचांग है ये संसद के अंदर पहुंचाएंगे और किसी को लागू करवाएंगे। बहुत बहुत अच्छे। मैं फोटो नहीं भेज रहा हूं, फोटो दिन सामने जुओ। हिप हिप हुर्रे। सुप्रेस माय फीलिंग्स कज आई नो इट्स बेस्ट फॉर मी फॉर शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस माय हैंड्स बिगिन टू शेक आई थॉट आई न्यू यू barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth. You got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid, what's under my skin? I got careless back in, why do I do this again and again and again? आप जाएंगे प्लीज निकल के जाएंगे। मेन सामने सब लोग thank you.
ये देखिए कितनी रौनक है मेरे राम की नगरी में।